स्टूडेंट एक साल के प्रोग्राम के लिए जाता है तो उसके साथ क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती है? एक साल के प्रोग्राम के साथ जाने के बाद उसको अगला एक साल का और स्टडी लेना है, जब भी उसको एक साल की स्टडी और लेनी है तो उसके साथ क्या चाहिए उसको? अब उसके साथ वीजा एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, उसकी फीस भरनी है, दूसरी जगह शिफ्ट होना है, सब कुछ है। तो जो वीजा उसको वहां एक्सटेंड होने के लिए टाइम चाहिए तो उसको बफर भी चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में, सेकंड सेमेस्टर के बिगनिंग में उसको थर्ड सेमेस्टर के लिए रेडी हो जाना, उसका एडमिशन भी लेना है और उसको वीजा भी अप्लाई करना है, एक्सटेंशन भी लेना है, और शायद दूसरी जगह एडमिशन मिले, शायद वहीं मिले, हमें नहीं पता। पहले साल के ड्यूज भी क्लियर करने हैं और अगले साल के स्टार्ट भी हो जाने हैं। उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जल्दी आ जाता है कंपेयर टू गोइंग फॉर अ टू ईयर प्रोग्राम। इफ आई कंपेयर इट टू अल्गोमा, मान लो आपने एक साल की फीस दे दी है, थर्ड सेमेस्टर की फीस कब देनी है? जब थर्ड सेमेस्टर के लिए रजिस्टर करोगे। मान लो थर्ड सेमेस्टर में ब्रेक लेते हो, तब तो रजिस्टर ही नहीं करना, ब्रेक हो गया ना, वहां पे आप चार महीने काम करोगे, अगले साल के लिए कमा के और फीस भर दोगे। अगर थर्ड सेमेस्टर में ब्रेक नहीं लेते तो आपको कब पे करनी है? जब आपका सेमेस्टर एंड होने वाला है। पहली बात तो वीजा एक्सटेंड करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना ही नहीं है, वीजा तो मिला हुआ है ऑलरेडी दो साल के लिए, तो आपके पैसे बच गए, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं पे जहां भी स्टडी करें फेल हो गए, और वीजा एक्सटेंड करना अपने आप में हेडेक हो जाएगी, क्योंकि अगर वो वाली ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर दी जिसमें फेल हुए हैं, वीजा ऑफिसर ये क्वेश्चन कर सकता है आप अगला प्रोग्राम कैसे करोगे, तो एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिसमें एक बार वीजा मिल गया दो साल के प्रोग्राम में, फेल हुए हुए कुछ भी हुए क्या फर्क पड़ता है? वीजा तो लेना नहीं ना, वीजा तो ऑलरेडी है, अगले में क्लियर कर लोगे, अगले सेमेस्टर में क्लियर कर लोगे, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटेंड तो नहीं करवाना। प्लस ऐसी फैसिलिटी हमेशा रहती है कि अगर आपने टाइमली फीस नहीं भरी तो आप पेमेंट प्लान पे जा सकते हो, क्योंकि डिग्री तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास, कॉलेज के पास पड़ी है, छोड़ के कहां जाओगे, वहीं रहना है ना, तो पेमेंट प्लान इजीली मिल जाता है दो साल के प्रोग्राम में। वन ईयर वाले प्रोग्राम में आपका जैसे ही वन ईयर खत्म हुआ, जब तक ड्यूज क्लियर नहीं होंगे, अगले वाले ड्यूज नहीं दोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन टू ईयर वाले प्रोग्राम में अगर थर्ड सेमेस्टर के ड्यू क्लियर नहीं भी है तब भी आगे बढ़ सकते हो, क्यों? क्योंकि डिग्री तो कुछ मिल ही नहीं सकती, लेकिन वन ईयर वाले में तो आप पिछली डिग्री क्लेम कर लोगे, इसलिए अगले ड्यूज अगर क्लियर नहीं होंगे थर्ड सेमेस्टर के तो आगे स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन टू ईयर वाले में कर सकते। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि डिग्री वहीं पे ही है, कहां जाओगे? आपको एक दो सेमेस्टर कंप्लीट करके डिग्री थोड़ा मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं दिए पैसे आपने लास्ट तक भी नहीं दिए, क्या होगा? थोड़ा इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं होता कैनेडा में, 1-2% ही होता है बस, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज अ सेफर ऑप्शन फॉर वीजा एंड इजियर ऑप्शन ओवरऑल थ्रू आउट, जिसके अंदर आपको कोई ट्रबल नहीं होता, वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना और एडमिशन नहीं लेना, किसी कंसल्टेंट को कुछ पे नहीं करना, सिर्फ एक फाइनेंशियल पार्ट है वो हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें कैसे करना है हमें पता। तो सिर्फ इस वजह से किसी बच्चे को एक साल के प्रोग्राम के साथ नहीं भेजना जिसके अंदर, जिसको फाइनेंस का इशू है। एक साल की फीस यहाँ मैनेज हो जाए, बाकी हम बता देंगे कैसे मैनेज होगा, बाकी मैनेजेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।